बीके की स्पेसशिप बिना किसी तरह की आवाज किए कैसे हवा में चल रही थी? जितना ज्यादा शोर होगा उतना ही ज्यादा बीके की स्पेसशिप को फायदा होगा, आखिर कैसे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज के दिलचस्प गलियारे में। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे राजकुमार हिरानी की एक बहुत ही ज्यादा शानदार मूवी पीके के सीक्वल पार्ट यानी पीके 2 के बारे में। पीके मूवी की एंडिंग में हमने देखा कि पीके अपने दोस्तों के साथ मिलकर अर्थ पर आते हैं, और वो भी अपनी बहुत ही ज्यादा विशाल स्पेसशिप से। और जब इतनी बड़ी चीज हवा में उड़ रही होगी, वो भी एक स्पेसशिप, तो जमीन पर खड़े लोगों का क्या रिएक्शन होगा इस स्पेसशिप को देखकर? तो इसका जवाब है कि वो लोग इस स्पेसशिप को ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। मतलब ये है कि स्पेसशिप उड़ते वक्त ना ही किसी भी प्रकार की आवाज करती है और ना ही उसकी एयर मूवमेंट में कोई भी हलचल होती है। इस वीडियो में हम इस पूरी एयरशिप द्वारा किए गए किसी भी तरह के साउंड ना करने के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करें पीके की स्पेसशिप के बिना किसी साउंड के मूवमेंट के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक एयरप्लेन जो कि यूएफए के मुकाबले काफी छोटा है वो इतना ज्यादा शोर करता है, तो फिर आखिर पीके का एयरशिप बिना नोटिस के आराम से हर तरफ मूव कैसे करता है? जिसकी वजह है स्पेसशिप की वॉल्स पे लगे रिफ्लेक्टर्स, जो कि साउंड वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, और उन्हीं वॉल्स के साथ लगे हैं अडेप्टर्स, जो कि उन वेव्स को अडेप्ट करने से शिप को और भी फायदा पहुंचाते हैं। यानी कि वो शिप जो भी आवाज प्रोड्यूस करती है, वो लोग उसी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद उसे शिप के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी पर हम लोग माइक में बोलते हैं, तो वो माइक के थ्रू साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है और स्पीकर तक पहुंचने के बाद दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्पेसशिप द्वारा निकलने वाली साउंड को एयरशिप की वॉल्स रिफ्लेक्ट करती हैं, उस साउंड को यूज करके एडेप्टर द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसे स्टोर करने के बाद यूज करते हैं। यानी कि ये मशीन ना तो बाहर किसी भी तरह का शोर मचाती है, बल्कि साथ साथ एक्चुअल में जितना ज्यादा शोर करती है वो बिना बाहर किसी को पता चले उतना ही ज्यादा फ्यूल भी तैयार कर रही है। उम्मीद है आपको पीके की एयरशिप के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और आपके इस मूवी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब स्पेसशिप की बात कर ली और पीके के प्लैनेट की बात ना करें, ये तो नाइंसाफी होगी। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे पीके के प्लैनेट के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए हमारे आने वाली नई वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।